हेलो एवरीवन, वेलकम टू जी सेंट्रिक। और फिर एक तारीख आ चुकी है एक नए महीने की, जो कि नवंबर रहेगा और नई एनर्जी लेके आता है हर एक तारीख को। और कुछ ना कुछ आप खुद से कमिटमेंट करते हैं, उनको पूरा करने की कोशिश करते हैं। तो इसी कड़ी में एक तारीख, मैं मान के चल रहा हूं कि ये वीडियो सुनते सुनते एक तारीख लग चुकी होगी। तो इस वीडियो में मैं दो चीजों पर बात करने वाला हूं। पहला चीज तो आपके पीछे लगी होगी जीपीसी गेट प्रिपरेशन कैलेंडर। ऑलरेडी 14 अक्टूबर को हम लोग गेट प्रिपरेशन कैलेंडर रिलीज कर चुके हैं। जिसने वो वीडियो नहीं देखा, कैलेंडर नहीं देखा, तो जी सेंटर के एप्लीकेशन पे वो अवेलेबल है। और गेट 24 के एस्पिरेंट 1 नवंबर से वो कैलेंडर हमने चालू किया है। तो उस कैलेंडर के हिसाब से अपना पढ़ाई चालू कर देना, ठीक है, चालू कर देना। और प्लस मैं हर एक एक तारीख को आपको हर एक महीने पे याद दिलाऊंगा कि आपने क्या किया है या क्या नहीं किया है, और आपने उसमें कहीं मक्कारी तो नहीं कर रहे आप अपने कैलेंडर को फॉलो करने में। तो मैं याद दिला सकता हूँ आपको, ठीक है, थोड़ा सा जगा सकता हूँ। हर एक महीने की 1 तारीख को मैं आपको जगाऊंगा और आप जागेंगे, वापस खड़े होंगे। क्योंकि मैं मानता हूं कि कितनी भी प्लानिंग कर ले हम लोग, तो प्रैक्टिकली हो सकता है कुछ 5%, 2%, 3% की कमी रह जाए। बट बिलीव मी, ये जो कैलेंडर बनाया हम लोगों ने बहुत ही प्रैक्टिकल बनाया है। रिजर्व डे भी डाला है, फेस्टिवल का भी ध्यान रखा है, तो आप बहुत अच्छे तरीके से फॉलो कर सकते हैं, है ना। और करोगे तो खुद में कॉन्फिडेंस फील आएगा, ठीक है। चलिए, जीपीसी की बारी हो गई है, 1 तारीख आ गया है, वो समय आ चुका है, आप स्टार्ट कर दीजिएगा। दूसरा चीज है कि बहुत सारे एस्पिरेंट मुझे कॉन्टेक्ट कर रहे हैं जी सेंटर के एप्लीकेशन पे, कहीं फोन लगा रहे, कभी व्हाट्सएप कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि सर लास्ट तीन महीने की स्ट्रेटजी बता दीजिए सर, लास्ट 3 महीने की प्रिपरेशन स्ट्रेटजी बता दीजिए सर, कैसे करना है। बट मैं ये सोच रहा हूं कि मैंने 6 महीने की स्ट्रेटजी बताई आपको, 1 साल की बताई, सब चीजें बता दी। बट दिक्कत ये है कि इस पॉइंट पे अगर 1 नवंबर, जहां पे आपके पास लगभग 90 दिन बचे हैं गेट की तैयारी के लिए, तो मुझे ये पता नहीं लगेगा कि कौन से स्टूडेंट का सिचुएशन क्या है। कोई स्टूडेंट, अगर मैं एक जनरल बात करूं कि मैं ये मान के चल रहा हूं कि जो जी सेंटर से बहुत पहले से पढ़ रहा है, कहीं और से भी पढ़ा है जिसने अपना सिलेबस पूरा खत्म कर लिया है, तो उनको तो मेरी एक एडवाइस है। क्या एडवाइस है? जिनने पूरा सिलेबस खत्म कर लिया है, उनको एक ही एडवाइस है कि अब जो 3 महीने है ना, बहुत तरीके से यूज करना है। क्यों? क्योंकि मैंने बहुत सारे एस्पिरेंट देखे हैं कि जो लास्ट के 3 महीने में क्या करते हैं, अपना जो टाइम टेबल, अपना जो रूटीन है, वो आउट ऑफ बॉक्स चीजें करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि मैं देखता हूं कि बहुत सारे टीचर्स, बहुत सारे लोग आपको ऐसा मोटिवेट करते हैं कि बस 90 दिन है, रात को दिन, दिन को रात बना देना है, ये छू लेना, वो छू लेना। बट आप अपना एग्जैक्ट रूटीन मत बिगाड़िएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलेंगे जल्दी उठिए, लेट सोइए, रात को पढ़िए, सुबह 4 घंटे पढ़िए, शाम के 4 घंटे कम पढ़ाई होती, वो सारा, देखो वो सारे मैथमेटिक्स में मत जाओ। आप अपनी बॉडी को आपसे अच्छा कोई नहीं जानता, आपकी बॉडी को आपसे अच्छा कोई नहीं जानता। तो आपकी बॉडी जिस चीज को अलाउ करे, जब भी, चाहे वो सुबह शाम हो, रात हो, दिन हो, कभी भी, जब आपका मन करे, तन मन धन, मतलब पूरा फोकस होके जिस टाइम पे भी मन करे पढ़ाई करने का, उस टाइम पे करना। दिमाग में इस चीज का ध्यान रखना कि 24 घंटे को हमें वेस्ट नहीं करना है। आप 7-8 घंटे की प्रॉपर नींद लीजिए, क्योंकि बहुत सारे एस्पिरेंट जो अभी तक सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं, उनको अपने शेड्यूल में छेड़खानी करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ लास्ट के 3 महीने में एक चीज का ध्यान रखना है आपको, रिवीजन बहुत प्रॉपर, और टेस्ट सीरीज, एक टेस्ट सीरीज को टारगेट करो। इंडिविजुअल सब्जेक्ट रेगुलर बेसिस पर लगा सकते हो। फुल लेंथ टेस्ट शुरुआत में अल्टरनेट डेज में लगाना, 1 दिन टेस्ट, फिर उसका एनालिसिस कर लो, और अगले दिन पूरे दिन आप जो 8-9-10 सब्जेक्ट पढ़ रखे हैं उसका शॉर्ट तरीके से फटाफट स्कैनिंग करके पूरा रिवाइज करो, ताकि अगले दिन जो टेस्ट दोगे ना, उसको ये मान के चलना कि मैं गेट के एग्जाम दे रहा हूं, है ना। अल्टरनेट डेज में 1 दिन क्या करो, टेस्ट दो, उसका एनालाइज करो, मिस्टेक में लिख ली, अगले दिन पूरे 10 सब्जेक्ट का रिविजन करो, और उस रिविजन में जहां जहां गलती हुई है उन गलती को निकालो, और अगले दिन जो टेस्ट दोगे ना उसको गेट एग्जाम मान के दो। तो हरेक टेस्ट से क्या होगा, टेस्ट के बाद उसका एनालाइज करना जरूरी है, एनालिसिस करने के बाद उसमें जो गलतियां, उसका रिवीजन कर लिया, और रिवीजन करने के बाद फिर टेस्ट में अपीयर हुए, तो हो सकता है इस बार वो मिस्टेक नहीं होगी, कोई दूसरी मिस्टेक होगी। तो हमें तो यही पहचानना ना, टेस्ट सीरीज क्यों दे रहे हैं, हम हमारी गलतियों को आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, ताकि हमें पता चल सके कि कौन सी चीज हमसे गलत हो रही है, कहां कैलकुलेशन में फंस रहे, कहां नहीं फंस रहे, वो चीजें ईजाद करना है, ठीक है, और उनके ऊपर काम करना है, रिवीजन करना है। तो रिवीजन को ज्यादा फोकस करना, क्योंकि बहुत सारे लोग डेली बेसिस पे टेस्ट लगाएंगे, क्योंकि जिस दिन टेस्ट देते हो ना 3 घंटे का, तो जो दिमाग है अपना, जो मशीन है ना, पूरा गर्म हो जाता है। और मशीन गर्म हो गई मतलब टेम्परेचर जैसे ही बढ़ा तो इफिशियंसी डाउन हो जाएगी, लॉसेस बढ़ जाएंगे, है ना। तो मशीन, ब्रेन भी क्या, एक मशीन है, टेम्परेचर जैसे ही बढ़ेगा तो उसका दुश्मन है,
तो आपको अल्टरनेट डेज में टेस्ट लगाइए। हाँ, मैं ये मानता हूं कि जनवरी वाले मंथ में आप रेगुलर बेसिस पे टेस्ट लगा सकते हो, क्योंकि तब तक आपका टेम्परामेंट, आपका जो माइंडसेट है वो सब बन जाएगा, ठीक है। और मेन आपको रिवीजन और शॉर्ट नोट को भी अच्छे से प्रिपेयर करना। चलो, अब ऐसे स्टूडेंट होंगे जिन्हें 7 सब्जेक्ट करे, 6 सब्जेक्ट करे, 8 सब्जेक्ट करे, क्योंकि अब मैं कोई स्ट्रेटेजी का एक वीडियो बना दूं और मैं बोल दूं कि इस स्ट्रेटेजी को सभी फॉलो कर लो, तो वो पॉसिबल है नहीं, क्योंकि तरह तरह के लोग हैं, तरह तरह की सिचुएशन, कोई जॉब वाला भी होगा। क्योंकि मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि गेट एक ऐसा एग्जाम है जहां पे बहुत अलग अलग लेवल के लोगों से आपका कॉम्पिटिशन होने वाला है। तो ऐसे स्टूडेंट भी होंगे जो जॉब में होंगे, अब मैं यहाँ पे बता दूं कि 8-10 घंटे पढ़ लो, पता चले जॉब वाला स्टूडेंट पढ़ ही नहीं पा रहा है। तो एक काम करो, एक साइज का जूता सबके लिए फिट नहीं होगा, उसके लिए जी सेंटर का एप्लीकेशन पे चैट बॉक्स में एक माइक बना होगा, उसमें माइक को प्रेस करना, ऑडियो बनाना कि सर मेरा नाम दिस है, मैं इतने सब्जेक्ट हो चुके, अपनी सिचुएशन मुझे बता देना, है ना। चाहे कोर्स परचेस करा हो चाहे नहीं करा हो, हम लोग लास्ट मोमेंट पे सभी को हेल्प करेंगे। मैं उससे जितनी हेल्प हो सकती है मैं करूंगा आपकी हेल्प, हमेशा रेडी हूं जी सेंट्रिक के चैट बॉक्स पे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे हैं मुझसे। अभी पिछले 10 दिनों से कई सारी क्वेरीज इस रिलेटेड मैंने सॉल्व करी है, और मुझे अच्छा लगा कि 1-on-1 क्वेरीज अगर मैं सॉल्व कर पा रहा हूं तो इससे बड़ी बात क्या है, क्योंकि स्टूडेंट की एग्जैक्ट प्रॉब्लम का मैं एग्जैक्ट सॉल्यूशन बता पाऊंगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जी सेंटर का एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, चैट बॉक्स पे जाना, वेलकम होगा, कोर्स परचेस करा हो नहीं करा हो, और जिसको भी 2-3 महीने का भी कुछ करना हो, कुछ सपोर्ट करना हो, कोई सब्जेक्ट पढ़ना तो भी कर सकता, कोई दिक्कत नहीं है। बट चैट बॉक्स पे बिना संकोच के माइक पे प्रेस कर देना, और साथ में टेक्स्ट में लिख देना रिगार्डिंग प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी, संदीप सर को फॉरवर्ड कर दो, तो वो मुझ तक मैसेज आ जाएगा, 1 घंटे के अंदर मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। हो कई सारे लोगों को तो मैं विद इन अ मिनट कर देता हूँ रिप्लाई, बट 1-2 घंटे का इसलिए मार्जिन हो सकता है, मेरी शूटिंग चल रही है उस टाइम पे मैं फ्री नहीं हूँ, बट कोशिश रहेगी कि जितना जल्दी से जल्दी मैं रिप्लाई करूं। तो चैट बॉक्स पे ऑडियो फाइल भी है, अपना इमेज भी डाल सकते हो, टेक्स्ट में भी कर सकते हो मैसेज, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप हमारे स्टूडेंट हो नहीं हो, कहीं और के भी हो, कोई दिक्कत नहीं है। एज अ स्टूडेंट हम लोग अगर किसी को हेल्प कर रहे हैं, गाइड कर रहे हैं, तो वो ये मान के कर रहे हैं कि वो एक हमारे लिए स्टूडेंट हो, चाहे कहीं का भी हो, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखो। तो मैंने जिनने पूरा सिलेबस कर लिया उसके लिए बता दिया तरीका, और बाकी लोग जो भी आपकी सिचुएशन है, जो भी आपने सब्जेक्ट कर रखे मुझे बता दीजिए, सर इतने कर रहे हैं, 2 सब्जेक्ट करे, 3 करे हैं, 4 करे हैं, है ना। और बिल्कुल बेज्जती से नहीं डरना कि सर मेरा तो 2 ही सब्जेक्ट, पता नहीं सर क्या सोचेंगे। कई सारे स्टूडेंट मैं देखता हूँ हिम्मत नहीं करते हैं डाउट पूछने की कि यार पता नहीं सर क्या सोचेंगे, कुछ भी नहीं सोच रहा हूँ, ठीक है, आपकी जिंदगी है, बिल्कुल बेशरम बन जाओ, चीजों को पूछो, है ना। मैं कई सारे स्टूडेंट को डांट भी लगाता हूँ, तो अब वो एज ए स्टूडेंट मानकर डांट लगाता हूँ, बट उसको ये मत सोचिएगा कि सर क्यों डांट रहे हैं ना, अदरवाइज नहीं लेना है चीजों को। तो बिल्कुल मैं आपको गाइड करूंगा इन 3 महीनों में, जब जब आपको लगे, और चैट बॉक्स पर आप चाहे रात की 1 बज रही हो, 2 बज रही हो, जब भी मैसेज ड्रॉप कर दो मुझे, जब भी टाइम मिलेगा आपको मैं रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। चलो, और बाकी अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट की शिकायत होती है सर एक कॉल क्यों नहीं हो सकता, कॉल पे बात नहीं हो सकती, क्योंकि क्यों इतने सारे स्टूडेंट हैं कि कॉल पे बात करना पॉसिबल नहीं है, और ऐसा लगे क्योंकि ऑडियो फाइल है, ऑडियो मैसेज आपने ड्रॉप किया, मैं भी ऑडियो फाइल में रिप्लाई कर दूंगा, आप वापस से ऑडियो पूछ लीजिए, क्योंकि फिक्स टाइम नहीं होता, इस वजह से कॉलिंग पे पॉसिबल नहीं है, बट अगर कुछ ऐसा इशू हुआ तो डेफिनेटली कॉल पे भी बात की जा सकती है, ठीक है। और गेट 2024 वाले स्टूडेंट जीपीसी को फॉलो करिए, 1 नवंबर लग चुका है, और बड़ी बोल सकते हैं एक जोश के साथ स्टार्ट करिए, सीखने की ललक रखिए, क्योंकि 24 अभी बहुत दूर है। गेट को दिमाग, हाँ ठीक है गेट का तैयारी करना नहीं कर लिया डिसाइड, बट रोज रोज गेट के बारे में नहीं सोचना है, सब्जेक्ट के ऊपर काम करना है, सब्जेक्ट को सीखना, लर्निंग्स पर फोकस करो, एग्जाम ऑटोमेटिक निकलेगा यार, लर्निंग्स होगा तो क्यों नहीं निकलेगा एग्जाम, ठीक है। जो क्वेश्चन घर में बनेगा वहां भी बनेगा, कोई दिक्कत नहीं, जो प्रेशर वाली सिचुएशन है वो धीरे धीरे डेवलप हो जाएगी, अचानक प्रेशर को हैंडल करने की कैपेसिटी नहीं आएगी, धीरे धीरे आएगी, ठीक है। और प्लीज मेरा सभी से निवेदन है, जो भी ऐसे स्टूडेंट जो डिजर्व करते हैं अच्छा रैंक, प्लीज अपने टाइम टेबल को बिल्कुल 180 डिग्री मत शिफ्ट करना, रात को दिन, दिन को रात नहीं बनाना, जो आपकी बायोलॉजिकल क्लॉक है, सुबह उठना अच्छा लगता है, जैसे मैं एज अ स्टूडेंट था तो मुझे सुबह उठने उठ के मतलब मैं ये 2 घंटे की मेरी नींद अगर मैं कम लूं और फिर मैं पढ़ाई करूं तो नहीं कर सकता, मुझे प्रॉपर 8 घंटे की नींद चाहिए तभी मेरा दिमाग वर्क करेगा। तो ऐसा सभी के साथ अलग अलग हो सकता है, किसी स्टूडेंट को 4 घंटे नींद करके भी वो वापस 3 घंटे पढ़ाई कर सकता है। तो प्लीज आप किसी और स्टूडेंट से कंपेयर मत करिए, क्योंकि लास्ट 3 महीने में स्टूडेंट बहुत ही अपने ट्रैक से इधर उधर हो जाते हैं, ये गलती नहीं करना है, क्योंकि आप देखते हो टॉपर ने ये किया था मैं भी ये फॉलो कर लेता हूँ, कोई और फलाना बता रहा है, क्योंकि अभी 3 महीने क्या 2 महीने की स्ट्रेटेजी भी आएगी, 1 महीने की भी आएगी, ठीक
ठीक है, तो आप उनको सुन सुन के, क्योंकि आप अपने आप को पहचानिए। मेरा सिंपल सा क्वेश्चन है कि आप अपने आप खुद को ज्यादा अच्छा जानते हो, आप अपने ऊपर अपनी बॉडी को जानते हो, कब पढ़ाई कर सकते हो कब नहीं कर सकते हो, आपकी वीकनेस क्या है, स्ट्रेंथ क्या है, सब चीजों पे। गेट में 65 क्वेश्चन आएंगे सिर्फ और सिर्फ, अगर पेपर अच्छा बना तो 55, 56, 57 भी क्वेश्चन आराम से कर दोगे ना। अगर पेपर इजी आया तो 57, 58 क्वेश्चंस पे अच्छा रैंक आ जाएगा, और अगर पेपर टफ आया तो हो सकता 45, 50 क्वेश्चन, 52 क्वेश्चंस पे भी बहुत अच्छा रैंक आ जाए। तो क्वेश्चंस कितने करेंगे इस पे फोकस मत करना। ऑलरेडी मैं गेट के 1-3 घंटे को कैसे मैनेज करना उसका भी वीडियो बना चुका है, टेस्ट को एनालाइज कैसे करना उसका भी बता चुका हूं, ठीक है। और किसी को लिंक नहीं मिल रही, वीडियो नहीं मिल रहा हो तो चैट बॉक्स पर पूछ लेना सर ये फलाना वीडियो कहां मिलेगा, या कुछ ऐसी प्रॉब्लम है तो मैं डायरेक्टली वीडियो भी बता दूंगा, ठीक है गाइस। तो ठंडी का मौसम भी स्टार्ट हो चुका है, इफिशियंसी बढ़ जाती है। और एक चीज और, अपनी तबीयत का ख्याल रखना, क्योंकि इस मोमेंट पे खाना पीना सोना ये बहुत प्रॉपर होना चाहिए, क्योंकि अगर आप 8-10 दिन बीमार हो गए तो बहुत गड़बड़ हो जाती है, ठीक है। तो प्लीज अपने आप का ख्याल रखना, हेल्थ का ख्याल रखना, क्योंकि मौसम भी चेंज हो रहा है और सर्दी वाला टाइम में पढ़ाई अच्छी होती है कंपैरेटिवली, है ना। तो इस टाइम को बहुत अच्छे से एंजॉय करना, और मुझे पूरी पूरी उम्मीद है जितने भी डिजर्व कैंडिडेट हैं, जितना भी आप लोगों ने जितनी मेहनत करी है, मैं ऊपर वाले से हमेशा यही कामना करता हूँ कि भाई आपने जितनी मेहनत करी ना उतना मिले बस, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे सुनने वाले मेरे जो स्टूडेंट है उन्होंने बहुत मेहनत करी है, ठीक है। और ऑब्वियस है कि भाई जो मेहनत करेगा उसको मिलना चाहिए, ठीक है। तो इसी के साथ ये वीडियो एंड करता हूँ, ऑल द बेस्ट। कुछ भी छोटा सा छोटा डाउट हो तो जी सेंट्रिक ऐप के चैट बॉक्स पे डाल दीजिएगा, ठीक है, मैं हमेशा आपके लिए वहां पे अवेलेबल हूँ। ओके थैंक यू, ओके थैंक यू वंस अगेन।